हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर थ्री में तहदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तुम में कोई स्विच है क्या जो हमेशा टर्न ऑन हो जाते हो? वेल फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सर्कस का ट्रेलर तो डिसअपॉइंट किया ही किया, उसके गानों ने डिसअपॉइंट किया, एंड कल एक गाना आने वाला है जो सुन के लिटरली मुझे अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा कि क्या है इतना खराब गाना हो सकता है। बादशाह अगर कोई गाना आने वाला है सर्कस का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जुगनू का रीमेक है जो कि उन्होंने बनाया है, इतना किडिश गाना लग रहा है। लेकिन गाइस, पिछले दो दिनों से मैं सर्कस के डायलॉग प्रोमोज देख रहा हूँ, आई मीन एब्सोल्युटली अनहिलेरियस। एक भी सीन में यहाँ पर हंसी जरा भी नहीं आई, चाहे वो मूछ वाला सीन हो, वो गैंग वाला सीन हो। संजय मिश्रा डायलॉग कहते हैं, हाउ डू यू टर्न मी ऑन, क्या तुम्हारे अंदर कोई स्विच है क्या, आई यू करंट लगता है, वो कुछ भी यहाँ पर हंसा नहीं रहा। इट्स फॉलिंग कम्प्लीटली फ्लैट। द बज फॉर सर्कस इज एन ऑल टाइम लो। अनफॉर्चुनेटली इतना खराब रिस्पॉन्स आएगा इस फिल्म को किसी ने सोचा नहीं था। सबको लगा था कि ये फिल्म एक ब्लास्ट करके जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन यहाँ पर टिकट खिड़की पर, टिकट काउंटर पर कुछ भी मूवमेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। और आज ट्यूजडे है मेरा भाई, वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ सैटरडे और अ संडे, दिस इज ट्यूजडे, दिस इज अ क्रिसमस रिलीज, दिस इज अ बिग फिल्म एंड दिस शुड टेक एन ओपनिंग इन द एक्सेस ऑफ 19 to 20 crore rupees। यहाँ पर डबल डिजिट के ओपनिंग के वांदे लग रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट buzz for any Rohit Shetty film in ages. Let's see guys, film box office पे किस तरह से जाती है, लेकिन unfortunately the promo आ रहे हैं, dialogue promos don't release it. Seriously, जो बचा कुचा buzz है वो भी जाएगा, लेकिन the biggest problem is the ticket prices. 8 बजे का show morning का 230 rupees के टिकट रखे हो आप लोगों ने, हाँ, एंड बात करूँ 11 बजे की रात की तो 450-450 rupees. लोग यहाँ पर एवटार 2 देखने के लिए भी 450-450 rupees रुक रहे खर्चा करने के लिए, ताकि वो वीकडेज में जाकर 400 rupees में फिल्म देखे। आप लोगों ने आपकी फिल्म के 400 rupees के टिकट रखे हैं। इतना ही नहीं, आईनॉक्स में सुबह 8 बजे का शो, 8 AM का शो जो है वो 230 rupees का है, एंड रात के शो की प्राइसिंग देखो 420, 480 and 500 rupees. आर यू क्रेजी? 500 rupees सर्कस फिल्म के लिए देने के लिए एक आदमी, जस्ट इमेजिन, कोई एवटार देखने के लिए 1000 rupees स्पेंड कर दिया है, वो तो महीना भर वेट करेगा इतनी बड़ी धनराशि रखने के लिए यहाँ पर। अरे एटलीस्ट इस फिल्म के लिए ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग न रखते हुए आप लोग नॉमिनल टिकट प्राइसेस रखते हैं। लंबा वीकेंड है, 10-15 दिन का फ्री रन है, उसमें पैसा कमा लीजिए। इतना ही नहीं, मूवी मैक्स में 8 बजे का शो 200 rupees टिकट प्राइस रखा है। और सर एंड डन गाइस, टिकट के प्राइसेस हाई है एंड द सेल्स आर एब्सोल्युटली लो। अब तक सिर्फ 17,000 टिकट्स बिकी है, ओनली 17,000। दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर सर्कस। आने वाले दो दिनों में अगर टिकट की एडवांस बुकिंग पिकअप नहीं हुई, एंड गाइस, इस फिल्म का चलना बहुत ही मुश्किल है। अब सिर्फ एक ही चीज इस फिल्म को बचा सकती है, वो है द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और एक अच्छी, मैं तो बोलता हूँ एवरेज फिल्म भी होगी ना, अगर 15-20 मिनट की भी कॉमेडी होगी तो भी ये फिल्म ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस में निकल जाएगी। तो दिस शुड बी अ गुड फिल्म, दैट्स इट। रन टाइम सामने आ गया है, फिल्म जो है 16 दिसंबर को सेंसर सर्टिफिकेट ले चुकी है, एंड 2 hours 18 minutes यानी कि 138 मिनट का रन टाइम है, एंड एक UA रेटिंग ली है यहाँ पर फिल्म ने, यानी कि सारे उम्र के बच्चे जो है ये फिल्म जो है वो जाकर सिनेमा घरों में इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब कल का जो बादशाह गाना आने वाला है, गॉड सेव दैट सॉन्ग, इतना किडिश लग रहा है देखने में ही गाइस गाना, एंड जो सुन जरा गाना था डीएसपी का, तो जरा पिकअप नहीं हुआ। तो पहली बार होगा रोहित शेट्टी का एक एल्बम था सूर्यवंशी का, क्या गाने थे उसके, नाजा नाजा वो वाला गाना, मेरे यारा, हाँ, टिप टिप रंग चढ़ा है, एल्बम वॉज अ ब्लॉक बस्टर। लेकिन सर्कस में सिर्फ और सिर्फ जो करंट लगा है वही खाली बज रहा है सब जगह, बाकी गाने भी डिसअपॉइंट किए, एंड डायलॉग प्रोमोस कृपया करके आप लोग ज्यादा करके मत रिलीज कीजिए। इट्स टेकिंग जितनी बची कुछ बज है वो भी जा रही है फिल्म की। सो गाइस, अब बात करेंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है सिटी वाइज। सो गाइस, मुंबई में 340 शोज में ओनली 7% है। पहले बता देता हूँ एडवांस बुकिंग कितनी की हुई है। एडवांस बुकिंग सिर्फ 47 lakh rupees की हुई है, यानी कि रोज एपिसोड बनाने के लिए भी दो बार सोचना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या बताना, क्योंकि गाइस कल 30 लाख की थी और आज 47, यानी कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 17 lakh rupees की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड गाइस, द मूवमेंट इज एब्सोल्युटली लो, एंड 17,000 टिकटें जो है वो यहाँ पर बिकी है। ऐसा हुआ
तो गाइज वेडनेसडे तक, कल हम जब मिलेंगे एटलीस्ट इसको 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग करनी है, हम थर्सडे रात तक एटलीस्ट 2.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, एटलीस्ट 2.50 का तो एडवांस बुकिंग करो आप, ताकि वॉक इन ऑडियंस आकर आपको 10 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग दिला दे यहाँ पर। समझ में आ रही मेरी बात आपको? आइडियली सर्कल शुड हैव टेकन एन ओपनिंग ऑफ 18 to 19 crores, लेकिन अगर ये 10 करोड़ की ओपनिंग भी ले लेगी ना तो भी इसके लिए काफी अच्छा होगा। दिल्ली एनसीआर 429 शोज में ओनली 5% ऑक्यूपेंसी, दिस इज वार्निंग साइन, पब्लिक रुकी हुई है वर्ड ऑफ माउथ के लिए। कौन सा वर्ड ऑफ माउथ? ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ। ये जो पिछले हफ्ते गोविंदा नाम मेरा के साथ जो समोसा वर्ड ऑफ माउथ था ना, वो नहीं। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कौन सा वर्डिक सही है कौन सा नहीं है। वो पब्लिक जो है पहले शो के बाद में पता चल जाएगा उन लोगों को। बात करो पुणे की, 151 शोज 6% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 97 शोज 7%, हैदराबाद अच्छा जा रहा है 114 शोज में 15% ऑक्यूपेंसी, बट लुक एट कोलकाता 2% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद जस्ट 6% ऑक्यूपेंसी, सूरत में 8% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 4, भोपाल 2, लखनऊ 4, देर इज नो पिकअप फॉर सर्कस, दीज आर एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल एडवांस बुकिंग फॉर एनी बिग फिल्म गाइज। सीरियसली स्टार पावर ऑफ रणवीर सिंह एंड रोहित शेट्टी कैसे एडवांस बुकिंग हुई कभी किसी ने सोचा नहीं था। वडोदरा में 2, लुधियाना 4, नासिक 6, उसके बाद गाइज जबलपुर 9, जमशेदपुर 9, प्रयागराज 3, अमृतसर 3%, रायपुर 7, भुवनेश्वर पिछले 3 दिनों से उतने ही टिकटे 2% की ऑक्यूपेंसी हुई है गाइस, खाली 17,000 का एडवांस बुकिंग, टिकट ही कोई खरीद नहीं रहा 2 दिनों से। बात करूं ग्वालियर की 3%, जोधपुर 5, जलंधर 2, कोटा 4, पटना में सिर्फ 5% है। जस्ट इमेजिन, ऐसा लग रहा है कि सर्कस नामक कोई फिल्म ही नहीं आ रही है 23 तारीख को। फ्रेंड्स बहुत खराब सिचुएशन है सर्कस के लिए, अगर कल तक एडवांस बुकिंग पिकअप नहीं लेता गाइस बहुत मुश्किल होगा आने वाले वक्त में इस फिल्म के लिए। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। 23 को सर्कस नाम की एक फिल्म है, सिनेमा घरों में लग रही है, अगर आपका मन करे तो आप जाके देख सकते हो, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। स्मामरन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड मेरा अभी तक प्रेडिक्शन जो है डे 1 का वो 8 से 9 करोड़ ही है। स्टे क्यूल मैन।